दोस्तों आज का ये वीडियो उनके लिए है जो कूलकॉम सीपीयू को बिना किसी बॉक्स के फ्लैशिंग करना चाहते हैं। अगर आपको देखना है सीखना है तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक कर देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मंदानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कूलकॉम सीपीयू का जो फ्लैश फाइल है, जिस मॉडल को आप कूलकॉम सीपीयू वाला जो भी मोबाइल हो जो भी मॉडल हो उसका फ्लैश फाइल पहले सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा नेट से और उसके स्टॉक रूम से। और जब उस फ्लैश फाइल को आप डाउनलोड करेंगे उसमें साथ ही आपको यूएसबी ड्राइवर और उसका जो टूल है वो आपको साथ में ही मिल जाता है। और सबसे पहले आपको उसका जो कूलकॉम सीपीयू का जो यूएसबी ड्राइवर है उसे आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। तो दोस्तों जब यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा कि कंप्यूटर में अच्छी तरह से, उसके बाद उसका जो टूल है उसे टूल को आपको जो है ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपको अपने कंप्यूटर में जहाँ भी आप कूलकॉम सीपीयू का फ्लैश फाइल रखे हैं उस फ्लैश फाइल को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, उसके फोल्डर में जाना है आपको। इस फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है कूलकॉम टूल में। जैसे आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे सारा का सारा फाइल जो है ऑटोमेटिकली जो है अपने आप जो है सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो डाउनलोड बटन जो है ये वर्क नहीं करेगा, जब तक आप अपने मोबाइल को बूट नहीं कराएंगे यहाँ पे तब तक आपका जो ये डाउनलोड बटन जो है वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे पहले आपको अपना मोबाइल का जो है आपको स्विच ऑफ कर देना या उसका बैटरी आपको निकाल देना है, उसके बाद फिर उसमें दोबारा आपको बैटरी लगाना है और उसके बाद वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों बटन को आपको एक साथ जो है दबा करके रखना है। उसके बाद केबल को उसमें लगाना है, यूएसबी डाटा केबल को उसमें लगा देना है। जैसे ही यूएसबी डाटा केबल को आप लगाएंगे आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पे बूट करेगा और वो डाउनलोडिंग का जो ऑप्शन है वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब उसके बाद डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं कि नो पोर्ट अवेलेबल, इसका मतलब है कि आपका मोबाइल जो बूट नहीं हुआ। जैसे आपका मोबाइल बूट करेगा तो आपका जो ये कॉम यहाँ पे 18 दिखा रहा है, इस तरह से आपका मोबाइल जब बूट करेगा तो यहाँ पे कॉम दिखाएगा, उसके बाद आप डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक कर देना है और ऑटोमेटिकली आपका जो मोबाइल जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, आपका मोबाइल में जो फ्लैशिंग होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर, और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।